अस्सलाम वालेकुम माय यंग फ्रेंड्स, यंग पाकिस्तानीज, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट इज आवर सिंगल बिगेस्ट एनिमी और हु इज आवर सिंगल बिगेस्ट एनिमी? हैव यू एवर गिवन दिस अ थॉट? कभी जहन में ये बात आई है, कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा, उससे शायद ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। एक छोटा बच्चा 8-10 महीने का चलने की तैयारी कर रहा होता है तो, और पहला कदम उठाने वाला होता है तो क्या होता है? माँ बाप जो हैं वो एक सबको जमा करते हैं, दादा दादी नाना नानी, एवरीबडी गेट्स टुगेदर, फ्रेंड्स विद देयर फोन्स एंड विद देयर कैमरास टू कैप्चर दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा, राइट? तो क्योंकि वो पहला कदम, इतना सब खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि ये पहला कदम उठाएगा। और जैसे ही वो बच्चा पहला कदम उठा रहा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, क्या ख्याल? एकदम उसके पास जाते हैं। क्यों पास जाते हैं? कि कहीं गिर ना जाए, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चा क्या करता है, क्या ख्याल है? वो अगर आप नोट करें, कभी देखा हो तो, क्योंकि बच्चे के लिए तो ये आज़ादी है, एक ज़बरदस्त एक मोमेंट है जो कि वो जिसका वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं खड़ा होकर चलूँगा, और आप फौरन उसके पास गए हैं और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की है तो वो यूँ करता है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे जाने दो। मगर आप फिर नहीं छोड़ते, क्यों? इस डर से कि कहीं गिर ना जाए और उसे चोट ना लग जाए। तो आप उसके जहन में 10-11 महीने के बच्चे के जहन में क्या डाल रहे हैं, क्या ख्याल है? सोचें, वही बच्चा या बच्ची, अगर 5-6 साल की बच्ची है, एक और मिसाल देता हूँ, और उनकी उसकी अम्मा ने हैव अरेंज फॉर अ बिग टी पार्टी एट होम, और उसके हर फ्रेंड्स हुव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस बिग इवेंट एट होम। तो हम आमतौर पे वो क्या करते हैं कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव क्रॉकरी होती है, टेबल वेयर होता है, उसको लेके आते हैं, क्योंकि यू नो दे वांट टू शो ऑफ कि भाई यू नो हम, मेरे जो दोस्त आ रहे हैं उनका मैं ख्याल करूं और उनको एंटरटेन करूं। तो आपकी 4-5 साल की बच्ची है, वो देख रही है सब कुछ, आपने क्रॉकरी निकाल के टेबल पर रखी, राइट? और वो बच्ची क्या कहती है माँ को, क्या ख्याल? अम्मा अम्मा, कैन आई ऑल्सो हेल्प यू? आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ओके, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस, कहती है ना? तो माँ क्या कहती है, क्या ख्याल है? नहीं नहीं, तुम छोटी हो, तुम ये नहीं संभाल सकोगी, राइट? आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ। तो कहती है नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट। फिर माँ कहती है नहीं बेटा, ये क्रॉकरी बहुत महंगी है, राइट? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये तुम उठाओगी तो टूट जाएगी। तो उसके दिमाग में फिर क्या डाला जा रहा है, ये मुस्बित सोच डाली जा रही है या नेगेटिव सोच डाली जा रही है? वो फिर इंसिस्ट करती है लड़की बच्ची कि नहीं, मुझे तो उठाना है। फिर माँ है प्रेशर में आके कहती है अच्छा बेटा उठाना, बहुत ध्यान से उठा के ट्रे लेके आना। तो जब उसने अब ट्रे उठाया ही है और उस पर प्यालियाँ रखी हैं तो माँ क्या कहती है उसको, देखो तोड़ ना देना, गिरा ना देना, कहती है ना, राइट? तो क्या होगा एक्चुअली, 9 out of 10 टाइम्स वो गिरा देगी और टूट जाएगी। तो माँ क्या कहती है, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना तुम तोड़ दोगी और तुमने तोड़ दिया। तो ये दो मिसालें जो मैंने दी हैं,
एक 10-11 महीने के बच्चे की और एक 5-6 साल की बच्ची की, ये माँ बाप अनकॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं, उनके अंदर हम एक खौफ पैदा कर रहे हैं, एक फियर पैदा कर रहे हैं। और जैसे बच्चे बच्चा बड़ा होता है, एक ही चीज़ सुनाई देती है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ये ना करो, वहाँ ना हाथ लगाओ। सिवाय एक नेगेटिव थॉट्स के हम और दूसरा बच्चा सुन ही नहीं सकते। वो बच्चा आज़ाद है, फियरलेस है, आपने ये मत करो, वो मत करो, यहाँ ना हाथ डालो, वो ना पकड़ो, आप उसके अंदर एक खौफ पैदा शुरू कर दिए। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा और खुद कुछ काम करना चाहेगा तो क्या होगा, वो यही खौफ साथ लेके चलता है और फिर वो यही चीज़ उसको रोकती है बड़े काम करने से। सो आवर बिगेस्ट एनिमी माई यंग फ्रेंड्स इज द फियर। याद रखिए, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फियर है और यही हमें रोकता है बड़े काम करने से। मैं इसकी एक और इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। फियर जो है F-E-A-R, इसका मतलब हुआ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपीयरिंग रियल। दोबारा कहता हूँ, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपीयरिंग रियल। ओके, अब इसकी मैं तुम्हें एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एक आप समझो कि एक क्लासरूम में आप बैठे हैं या एक एक, एक कुछ लोग जमा हैं और एक एक स्पीकर आया है, वो एड्रेस कर रहा है लोगों को और वो आप में से किसी को बुलाता है और कहता है कि कोई आके मेरे साथ खड़ा होके ये कह सकता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। और जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं सब स्ट्रेंजर्स हैं, आप किसी बहुत कम को जानते हैं, और वो ये रिक्वेस्ट करता है कि कोई आके कह सकता है, क्या ख्याल है कितने लोग आएंगे? बहुत कम ऐसे आते हैं। क्यों, क्या ख्याल है, किस चीज़ का उनको खौफ है, डर है? सोचो कि कहीं अगर मैंने कुछ अपनी गलतियाँ बता दी तो समझें कि मैं, मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा, आई एम अ फेलियर। ओके, और इस घबराहट से लोग आके बताते नहीं हैं। अगर आप तुम ये समझो कि अगर कोई आ गया और खड़ा हो के कहता है कि मैंने 3 गलतियाँ की थी और बड़े कॉन्फिडेंस से बताता है कि मैंने 3 गलतियाँ की थी, तो उस शख्स का आपके बारे, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या होगा? वो ओपिनियन गिरेगा या ऊंचा होगा? राइट, यकीनी तौर पे आप उसका जो ओपिनियन, आपकी जो उसकी जो आप रिस्पेक्ट करेंगे वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें हिम्मत थी वहाँ खड़े होकर उसने कहा कि मुझसे 3 गलतियाँ हुई हैं। राइट, तो ये सिर्फ हमारे दिमाग में है कि लोग ऐसा समझेंगे कि मैं फेलियर हूँ, राइट, और मैं अपनी गलतियाँ बयान कर रहा हूँ। तो फियर से आज़ाद होना है, और फियर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सो हमें मालूम है कि हमारे अंदर एक बच्चा है, सबके अंदर एक बच्चा मौजूद है, राइट, जो कि एक फियरलेस है। तो हम क्यों ना ये करें कि उस बच्चे को फिर से अपनी ज़िंदगी में ले आएं और उसको फिर आज़ाद कर दें, ताकि हम एक फियरलेस होके बट सोच समझ के एक बड़े काम कर सकें। तो एक तो ये मुझे आपको बताना था कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन हमारा फियर है, और ये एक सिर्फ एक एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। इसको जितनी जल्दी हो सके अपने जिस्म से, अपने अंदर से इसको निकालिए और एक करेज, एक डिटर्मिनेशन पैदा करें ताकि आप जो काम करना चाहते हैं कर सकें। थैंक यू।